मसान और मसानी दोनों अलग अलग क्रिया है भाई। जब आप किसी चौकी पे जाते हो तो आपके ऊपर मसान है, बता दिया मसानी जाती है कि आपके शरीर में ये चीज हो रही है, ये चीज सिस्टम दिखाई दे रही है, तो आपके ऊपर पक्का मसानी क्रिया है। वो भाई मसान और मसानी को पकड़ने के लिए एक अच्छा भगत, एक अच्छा तांत्रिक, एक अच्छा ओझा, ओझा जो भाई गांव के साथ बैठे रहते हैं हर चीज़ का, वही इनको बता सकता है जिसके पास अच्छी अच्छी सिद्धियां हो, ज्ञान हो, मसान और मसानी का ज्ञान हो। क्योंकि देखो 360 तरह से अलग ज़्यादा मसानियां होती है और 7 से अलग ज़्यादा मसान होते हैं भाई जी, जिनमें बुलाकी मसान भी आती है, कच्चा मसान भी आता है, पक्का मसान भी आता है, कच्चा कलवा, पक्का कलवा, अलग अलग तरीके से मसान होते हैं भाई जी। तो आज मैं इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ, मसान जब आपके साथ चलता है तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें सिम्टम दिखाई देते हैं और क्या क्या आपके शरीर में बदलाव आता है और आपको कितने डरावने अनुभव होने स्टार्ट हो जाते हैं जब मसान आपके साथ किया जाता है या छोड़ा जाता है आपके ऊपर। तो मैं आपका अपना विकास दिया दिल्ली दरबार से, अगर मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भाई जी, जो कि हमने 1,00,000 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा है, जिसमें हम अपनी गरीब बहनों की शादी करा सके, जो भाई रोड पर सोते हैं उनके लिए हम खाने से लेकर पीने तक का उड़ने तक का हर चीज़ का इंतजाम कर सके। तो लेट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हमारी वीडियो को इंस्टाग्राम पे देख रहा, फेसबुक पे देख रहा, तो उनको हमारे पेज को भी फॉलो करना भाई जी, और बेल आइकन को अगर आप साथ में दबाते हो तो जब जब हम लाइव आते हैं तो लाइव में हमसे जुड़ के आप अपनी समस्या का समाधान हमसे ले सकते हैं। तो लेट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दरबार विकास भगत दादा चाहवे तेरा प्यार हो, दुनिया में ठोकर खाली दादा तेरे। जो आदमी अपनी लाइफ में परेशान है ना, जिसको परेशानी का समाधान कहीं नहीं मिल रहा, वो डर डर की ठोकर खाता, कभी चौकी पे, कभी उस चौकी पे, कभी कहीं चला गया, कभी कहीं चला गया, किसी ने कुछ बता दिया भाई मंदिर में ये चढ़ाया तो वो वहीं चढ़ा जाता है, पर समाधान कहीं नहीं मिलता। लोग बागों के घर में इतनी परेशानी है, इतने जलने वाले आपस में बैठे हुए हैं, जब से चौकी लगानी स्टार्ट की है सारी चीज़ देखता आ रहा हूँ, किसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या नहीं, सारी प्रॉब्लम सुनता हूँ, देखता हूँ। ऐसा एक यूनिक केस आया भाई, कल शनिवार था, कल दरबार चौकी लगी हुई थी, केस आया भाई मसान का, कच्चा मसान, कच्चा कलवा मसान। तो सोचा आपके सामने शेयर करूँ, बताऊँ आपको कि जब मसान और मसानी में फ़र्क जो पहचान लेगा ना, वही आपका इलाज कर सकता भाई जी। तो मसानी जो होती है वो भाई 360 तरह की अलग मसानियाँ होती है, जिसमें अलग अलग तरह की मसानियाँ होती है भाई जी। कोई खून पीती है, कोई आपको दबाती है, कोई आपके साथ सेक्स रिलेशनशिप बनाती है, कोई आपको अलग अलग तरीके से आपका मन को भटकाती है, कोई आपके परिवार को रोकती है, तो कोई आपके बच्चों को खराब करती है। अलग अलग तरह की मसानियाँ होती है, जिन मसानियों के साथ योगनियाँ भी चलती है, भूत प्रेत जिन मसान आदि वगैरह सारी चीज़ चलती है भाई जी। और कलवा मसान जो हुआ, कच्चा मसान, कलवा कच्चा मसान है, जो इनको सिद्ध करता ना भाई, वो भाई अपनी जान को हथेली पर रख के चलता है। पहले आपको ये बता देता हूँ, जो इनको सिद्ध करता है वो अपनी जान को हथेली पर रख के चलता है, अपने शरीर को बांध के चलता, अच्छा एक तांत्रिक होता है, अच्छा एक भगत होता है। अगर आपके ऊपर कच्चे कलवा की मसान भेजी गई है ना, तो समझ लो वो या तो भगत है या एक अच्छा तांत्रिक है जिसने ये आपके ऊपर क्रिया कर रखी है। सबसे पहले बता देता हूँ भाई, मसान और मसानी अलग होती है। मसानी चलती है बोपसा शमशान में रख के अपने मंत्रों के होता है, जो मसान होता है ना वो चलता भाई चिता से, जो चिताएं होती है जलाई जाती है, फूकी जाती है, वहां से सिद्ध होके चलता है। और भाई कच्चा कलवा मसान जो होता है, आज कच्चा कलवा मसान की स्पेशल आपसे बात करने जा रहा हूँ, उसके सिम्टम क्या शरीर में जब ये छोड़ा जाता है और आपके शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं, क्या क्या आपको लक्षण दिखाई देते हैं, सारी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जो कच्चा मसान है भाई, हमारे उम्र में, मैं आपको हर वीडियो में आपने सुना होगा, 10 साल से नीचे के जो बच्चे होते हैं ना, उनको हमारे यहाँ पे भाई जलाया नहीं जाता, दफनाया जाता है। और जो तांत्रिक होते हैं ना, जो तांत्रिक होते हैं, ओझा होते हैं, जिन्होंने भाई कलवा सिद्ध करना होता है, वो क्या करते हैं भाई जी, उस बच्चे की जो दबा रखा था उसके शरीर का एक अंग ले आते हैं काट के, उसका अंग काट के लाने के बाद चिता पे शमशान में 3 शनिवार की प्रक्रिया होती है, 3 शनिवार को शमशान में बैठ के भाई इसको सिद्ध करते हैं, जिसमें भाई वस्तु चिता की आग हो या फिर वो अपने चिता पे बैठ के अपने आप उसने आग लगा के वो क्रिया की, उसमें भाई भोग प्रसाद भी जाता है, लड्डू का भोग प्रसाद जाता है, इसमें भाई आपका पंचमेवा का भोग जाता है, मिठाई का भोग जाता है, अलग अलग तरह की सामग्री इसमें यूज होती है जो इसमें भाई जी सिद्ध करने के लिए की जाती है। इसमें एक मंत्र भी है भाई, जो मंत्र मैं आपको ऑनलाइन शेयर नहीं कर सकता, नहीं मैं आपको बता सकता भाई जी किस तरीके से जो मसान होता है उसको सिद्ध किया जाता है। मसान में भाई जी आपका जब इसको सिद्ध करने के लिए बैठते हो तो 3 शनिवार में आपका सिद्ध हो जाता है, 3 शनिवार के अंदर जब ये सिद्ध हो जाता है तो इसमें भाई जी क्या होता, भगत जो होता जो सिद्ध करने के लिए बैठता है वो पूछता भाई, जब इसको कच्चा कलवा मसान आ जाता तो उससे एक ही चीज़ पूछता, बता क्या भोग प्रसाद लेगा। वो भाई अगर भोग प्रसाद लेने के लिए मना कर देता, मैं कुछ नहीं लूंगा, तेरा कार्य करूंगा, तो वो उसको पीछे हटा देते, क्योंकि कल को वो आपकी जान पे भी घायल हो सकता है। जो भोग प्रसाद के लिए मान जाता, कोई लड्डू ले लेता, कोई मिठाइयाँ ले लेता है, कोई भाई सिगरेट ले लेता, कोई भाई अलग अलग तरह की मिठाइयाँ होती है उस पर मान जाता है, तो वो उसको अपने साथ ले आते, फिर उनसे अपना कार्य कराते हैं। इसमें भाई जी
कार्य क्या होता है, जब ये किसी के ऊपर भेजे जाते हैं तो ये घर को बर्बाद करने के लिए भेजे जाते हैं। जब मसान, जब कच्चा मसान जब सिद्ध होता है तो मसान के साथ भाई जो चलता है, इसमें कच्चे कलवे हो गए, इसमें बुलाकी भी आ जाता है भाई जी, आपका बुलाकी हो गया, ये भी भाई शमशानी मसान है, और आपका कच्चे कलवे हो गए, पक्के कलवे हो गए, जिंद मसान, ये अलग अलग तरह की क्रिया है। और ये भाई माँ का साथ लेके, माँ का आशीर्वाद लेके जब शमशान में बैठ के रात को 11:15 से लेकर 1 बजे तक हर शनिवार को जितने भी आपके शमशान है आसपास के, या आपके गांव में जितने भी शमशान, सब में माँ काली और स्वयं शिवजी महाराज जी विराजमान होते हैं भाई जी। माँ काली शमशान काली के रूप में और शिवजी जो अगोरी के रूप में वहां विराजमान होते हैं 11:15 से लेकर 1:05 तक भाई जी, हर शमशान में शनिवार वाले दिन विराजमान रहते हैं भाई जी माँ काली और भाई खुद शिव भोलेनाथ जी हमारे। तो उसके भी पैरे के अंदर ये सिद्ध किए जाते हैं भाई जी मसान। जब मसान को सिद्ध कर लिया जाता है, सारी चीज किया जाता है, तो घर में किसी के भेजा जाता है तो उसकी मेंटलिटी जो होती है, मेंटलिटी जो लेवल होता है वो उसका बिल्कुल डाउन होने लग जाता है, पागल घोषित करने लग जाता है कि तो पागल है, इसकी बात मत सुनो, ये कुछ नहीं है। सबसे पहले आपका मेंटलिटी पो होगी, दूसरा आपका रोजगार कम होगा, तीसरी बात आपके साथ बच्चों का व्यवहार आपके शरीर में आ जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप बच्चों जैसे, बच्चे नहीं अपने मुंह बना के करने लग जाते हैं, अजीब अजीब सी शक्ल बनाने लग जाते हैं। आप पब्लिक में बैठे हो, 10 बंदों में आप बैठे हुए ना, 10 बंदों में अगर आप बैठे हुए हो तो उन 10 बंदों के अंदर आपको पागल घोषित करने की बताई जाएगी भाई। पागल घोषित कैसे किया जाएगा, आपका भाई जी चेहरा अजीब सा होने लग जाएगा, आपका ऐसे मुंह बनाने लग जाऊंगा, कभी हाथ मोड़ने लग जाऊंगा, कुछ कभी अपने आप से बात करने लग जाऊंगे। ये तो भाई पहली क्रिया, अगर आपके साथ ये नहीं हो रहा तो आपके कानों में बच्चों की आवाज आने लग जाएगी, आपको ऐसा लगेगा कि आपके कान में कोई बोल रहा है, आपसे कोई बात कर रहा है, आपका माइंड जो होगा वो उसकी तरफ होगा, आप उसका जवाब दे रहे होंगे, वो उस बात का जवाब दे रहा होगा। ये होता है भाई मसान की क्रिया, जब आप क्वेश्चन अपने करते हो, आपके सामने कोई नहीं होता, दूसरा देखता किससे बात कर रहा है, पर वो आप बात कर रहे होते हो, दूसरे वाले को समझ नहीं आता, ये होता है भाई मसान की क्रिया। तीसरा जो सिम्टम है भाई जी जो इसमें दिखाई देता है, देखो 2 सिम्टम भाई मेडिकल भी हो सकते हैं, मेडिकल क्या डॉक्टर का भी हो सकता है, जिसमें भाई मेंटेलिटी प्रॉब्लम, बंदे को रियल में मेंटेलिटी प्रॉब्लम है पर वो भाई चौकियों के चक्कर काटता रहता है। बस जो आगे के मैं सिम्टम बता रहा हूँ ना, अगर ये सिम्टम आपको दिखाई दे रहे हैं तो भाई जी ये चीज देखिए, आप है ना पक्का 101% आपके ऊपर मसान क्रिया है, मसानी नहीं मसान, मसान और मसानी अलग होती है, मसानी जो चलती है वो लेडीज के रूप में चलती है, मसान जो चलता है वो जेंट्स के रूप में चलता है, तो इसलिए मसान और मसानी दोनों अलग अलग क्रिया है। तो भाई जब आपके ऊपर मसान छोड़ा जाता है तो सबसे पहले अगर आप दारू नहीं पीते होंगे, आप दारू नहीं पीते, आप भाई जी ये मसाने में भी दिखता भाई जी, ये नहीं है क्या मसान मसाने में दिखेगा, आप अंडा नहीं खाते होंगे, आप चिकन नहीं खाते होंगे, तो देखो मसाने में क्या होगा, आप दारू के प्रति हो जाएंगे, मुंह पे गाली आ जाएगी, सारी चीज आ जाएगी, और उसमें आपको शरीर में होश रहेगा, पर इसमें क्या होगा आपका उल्टा होगा। मसान जब क्रिया की जाती है, आप अंडा नहीं खाते ना, आप कहीं से निकलते तो आपको अंडा अपने तरफ आकर्षित करेगा, अट्रैक्टिव करेगा, बस इसकी तरफ भाग, इसको खा, आज तक आपने हाथ नहीं लगाया पर आपको खाने पे मजबूर हो जाते हो भाई। दूसरा आप दारू नहीं पीते होंगे, आप दारू पीने का मन करेगा। तीसरा भाई जी आपके आसपास में कोई लड़कियां है, आप ऑफिस में काम करते हो, आप किसी फील्ड में काम कर रहे हो, किसी कहीं पे आप काम कर रहे हो, वो लड़की आपको दिख रही है तो रात को वही आपके सपने में आएगी, आपने उनके बारे में सोच लिया तो उसके सपने के अंदर आप गलत हरकत करने लग जाते हो भाई जी, गलत आपका व्यवहार हो जाता है, उनको ये जो आपका मन करता है कि भाई लड़कियां ही सब कुछ है उसकी तरफ आप इतना, एक बार आपके सपने में आके गलत हरकत होगी फिर वो आप बार बार देखोगे और रिपीट होती रहेगी, हर बार चेहरा नया होगा, हर बार आप मार्केट में भी जा रहे हो, मार्केट में आप किसी को देख रहे हो तो उसके बाद ही आपका चेहरा अलग होगा। इसमें भाई तो अगली जो पहचान है वो होती है भाई आपका वजन टूटना, आपका शरीर भाई जी बिल्कुल धीरे 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 खत्म होने लग जाता है, आपका व्यवहार जो था वो बात करने का, आपकी बात आपको पता है कि मेरे ऊपर कोई क्रिया कर रखी है, आप किसी को बताने जाते हो कि हाँ आपके ऊपर क्रिया हो रखी है, मेरे को ये चीज दिखती है, तो आपकी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा, आपका परिवार आपको समझेगा नहीं, मानेगा नहीं भाई जब आपके ऊपर मसानी क्रिया की जाती है। मसानी क्रिया में भाई बावन वीर भी चलते हैं, अलग अलग चीजें इनके साथ चलती है भाई, अलग अलग तरह के मसान है सब पर पहचान सबकी एक ही है, पकड़ना यह होता है कि पहचान आपके साथ चल क्या रही है क्या नहीं। कभी कभी आपको ये लगेगा जब आपकी आंखें खुलेगी तो आपके पेट पे बच्चे बैठे हुए हैं, सारी चीज बैठी होती है, क्योंकि बच्चे होते हैं वो मन के सच्चे होते हैं, उनको किसी तरीके से बहला लेते हैं, तांत्रिक वगैरह सारी चीज कर ले, उनकी आत्मा को कैद कर लेते हैं, फिर उनसे कार्य लेते हैं, जाओ तेरे को ये ट्रॉफी दूंगा उसके साथ ये करका, और बच्चे भी भाई ये नहीं आपका बिल्कुल आपको मार रहे हैं कुछ कर रहे नहीं, वो आपके साथ आके खेलते हैं और खेल खेल में क्या करते हैं बच्चे, तो भाई कि आप देखा हो ना छोटा बच्चा उंगली भी मोड़ देता है कभी, अपने पापा मम्मी की कभी कुछ भी कर देता है, कभी कैसे भी कर देता है, तो वही हरकत इसमें होती है भाई जी, वो आपके साथ क्रियाएं करते हैं, सारी चीज वो होती है, उन्हीं क्रियाओं के तहत आपके अंदर ये सारी चीज होती है, और लास्ट में ये आपके शरीर पर इतने हैवी हो जाते हैं कि आपकी मृत्यु होना निश्चित है। तो भाई अगर आपके साथ ये सारी चीज क्रिया है, प्रतिक्रिया है, इसके साथ और भी क्रिया है भाई जी,
मसान की और भी प्रतिक्रिया, इसके लिए आपको भाई जी हमारे ज्वाइन अकाउंट ज्वाइन कर लीजिए, उसके अंदर मैं एक स्पेशल वीडियो डालूंगा पूरी जानकारी, मसान को कैसे हटाया जाता है, कैसे इसको शांत किया जाता है, मंत्र भी दूंगा भाई उसमें आपको मसान को हटाने का, मसानी को नहीं मसान को हटाने का मंत्र भी दूंगा। इस मंत्र का आप जाप करते हो तो आप उनको कंट्रोल कर सकते हो, अपने तरीके से उनको चला सकते हो, उनका मार्गदर्शन कर सकते हो, जो आपके ऊपर उसको भेज रहा है तो आप उसके ऊपर वापसी उनको इस्तेमाल कर सकते हो। सारा मंत्र मैं उस वीडियो के अंदर दूंगा। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना, जब जब हम लाइव आएंगे तो लाइव का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, जिससे आप हमारी लाइव में जुड़ के अपनी समस्या का समाधान ले सकते हो। तो भाई अपनी कुलदेवी कुलदेवता को भूलना नहीं, आपके इष्ट आपके भगवान है भाई, वही आपका रोजी रोटी खोलेंगे। पितृदेव के बिना भाई घर का अनसुना है, घर में बरकत चाहिए तो पितरों की पूजा करनी जरूरी है। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नए विषय के साथ, जब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव, हर घर महादेव।